गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। कल हमने बेटा लेसन नंबर 10 द मैजिक मैच बॉक्स कम्प्लीट किया है। आज हम इसका बुक वर्क करने जा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके ऊपर। तो ये है लुक एट द पिक्चर एंड कम्प्लीट द वर्ड्स। अब आपको कुछ पिक्चर शो की गई हैं, इनकी आपने स्पेलिंग्स लिखनी है। इस बच्चे को देखिए क्या हो रही है, इच दिस इज मैच बॉक्स, ये विच दिस इज स्ट्रेच, दिस इज स्विच और दिस इज कॉल्ड द पैच। तो अब हम इनकी स्पेलिंग लिखेंगे बेटा, तो इसको करेंगे सभी में टी सी एच साउंड का यूज होगा, इच, सेकंड में मैच बॉक्स, थर्ड विच डब्ल्यू आई टी सी एच विच, नंबर फोर स्ट्रेच एस टी आर ई टी सी एच स्ट्रेच, नेक्स्ट स्विच एस डब्ल्यू आई टी सी एच स्विच और लास्ट पैच। कल मैंने बताया था जब हम किसी में किसी कपड़े को जोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड पैच। सेकंड है बेटा, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय टेकिंग द राइट आंसर। अब आपको एक सेंटेंस दिया है और थ्री उसके ऑप्शंस हैं, तो आपको करेक्ट वर्ड को टिक करना है, करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है। ओके, नेहा फॉरगेट्स टू कैच अ फिश, हर वे बैक होम टू कुक फूड। तो आपने इसका आंसर में किसमें लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हर वे बैक होम, तो क्योंकि उसको अपने घर का रास्ता भूल गया था, तो उससे पहले हमने क्या लगा देना बेटा, टिक लगा देना है। सेकंड है द विच स्क्रैचेस हर फुट बिकॉज, क्यों स्क्रैच करती थी, बिकॉज शी हैज बिग नेल्स, शी डिड नॉट टेक बाथ, शी हैज एन इच ऑन हर फुट, तो क्योंकि उसे इचिंग होती रहती थी अपने फुट पर, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, यानी राइट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है बेटा नंबर थ्री, वन नाइट ओन अ पैच ऑफ ड्राई ग्रास नेहा फाइंड्स, जब वो वहां पर लेट जाती है पैच वाले ग्रास पर, तो क्या होता है, अ गोल्डन मैच बॉक्स, अ विच, अ फेयरी, क्या मिलता है उसको अपने पास, अ गोल्डन मैच बॉक्स, तो आप यहाँ पर टिक कर लगा देंगे निशान। नंबर डी पार्ट है, नेहा इज वेरी हैप्पी बिकॉज, वाई शी वॉज हैप्पी, She meets a fairy. It was only a dream. She has a magic matchbox. क्योंकि जब वो क्या करती है, जाग जाती है, तो उसे पता चलता है कि it was only a dream. तो आपने यहाँ पे करेक्ट लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बेटा मैं वर्बल बता देती हूँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी, तो आपने वहां से इसको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैचेस नेहा, हु कैचेस नेहा, अ बैड ओल्ड विच कैचेस नेहा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द विच डू ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन वो क्या करती थी, ऑल डे लॉन्ग शी स्क्रैचेस हर इचिंग फुट। नंबर सी पार्ट, व्हाई कैन नेहा नॉट गो बैक होम, क्यों नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके घर का रास्ता वो भूल गई थी, तो इसलिए लिखेंगे बिकॉज शी फॉरगेट्स हर वे बैक होम। डी पार्ट, व्हाट डज नेहा फाइंड नियर हर हैंड, उसको अपने हाथ के पास क्या मिला था, नेहा फाइंड्स अ मैजिक मैच बॉक्स नियर हर हैंड। ई पार्ट, हु हेल्प्स नेहा टू गो बैक होम, किसने हेल्प की थी, हु की जगह आएगा अ फेयरी हेल्प्स नेहा टू गो बैक होम। तो इसकी पीडीएफ आपके पास आएगी बेटा, ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। नंबर फोर है, चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ये आपको ऑपोजिट दिए हैं, इसका हेल्प बॉक्स भी दिया है, आप यहाँ से चूज करके इसके आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट इज ड्राई, ड्राई का क्या आएगा बेटा, वेट डब्ल्यू टी वेट। सेकेंड क्लोज, क्लोज का बेटा क्या आएगा, ओपन ओ पी ई एन ओपन। नंबर थ्री क्राई, क्राई का आएगा लाफ, क्राई रोना, लाफ हंसना। नंबर फोर है बेटा काइंड, काइंड का आएगा क्रूएल सी आर यू ई एल क्रूड। उसके बाद नंबर फाइव है फॉरगेट होता है भूलना, और याद रखने को हम बोलते हैं रिमेम्बर आर ई एम ई एम बी ई आर रिमेम्बर। ओके बेटा, अब हम मूव करेंगे पेज नंबर 40 पर, देयर आर सम वर्ड्स द बैड विच हैज ब्रोकन दीज वर्ड्स यू बिकम द फेयरी एंड ज्वाइन देम। अब आपको फेयरी बन के इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे जी ओ एल, जी ओ एल के साथ क्या जोड़ेंगे हम डी ई एन गोल्डन, तो हम तो अब देखिए हमने इसको ज्वाइन कर लेना है गोल्डन। अब ये क्या है बी ई, बी ई से क्या बनेगा हाइंड बिहाइंड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी बिहाइंड। एस टी आर, एस टी आर से स्ट्राइक, जब उसने चलाई थी मैच बॉक्स तो दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक।
उसके बाद LIGHT लाइट, MAGIC मैजिक। तो ओके बेटा, ये आज आपका लेसन नंबर 10 है जो हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन आंसर की PDF आएगी, तो आपने क्वेश्चन आंसर वहां से लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू।